अरे कृष्णा, तो लोग प्रश्न करते हैं कि मछली खाई जा सकती है, मांस नहीं खाएंगे, बकरी बकरा मुर्गा नहीं खाएंगे, भैंसा नहीं खाएंगे, लेकिन मछली खाई जा सकती है। मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक 15 में वर्णन आता है कि मछली खाने वाले को समस्त मांस खाने वाले का दंड प्राप्त होता है। तो कृपया सावधान रहिए, ऐसा न सोचिए कि मछली में जीवन नहीं है। थोड़ा अपना भी बुद्धि लगाइए, अपना भी विवेक लगाइए। जीवात्मा तो मछली भी है, कष्ट तो उसे भी होता है। क्या मुर्गे को कष्ट होता है, बकरे को कष्ट होता है, मछली को कष्ट नहीं होता? क्या उसको कटने में सुख मिलता है? और अगर हम अपनी जिह्वा की तुष्टि के लिए किसी भी जीव की हत्या करते हैं तो निश्चित रूप से उसके कष्ट का जो फल है वो हमें भोगना होगा और हमें भी कटना होगा। तो अगर आप कटना चाहते हैं तो खाइए आप मांस। हरे कृष्णा।